हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उसका नेक्स्ट डे है क्योंकि रात भर पैदल चलने के बाद आज ये अभी मंदिर के वहाँ पहुँचे हैं। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो कि मंदिर अभी मेरे यहाँ से बहुत दूर है, तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं नदी की ओर और मैं चलने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ। वहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोग को पैरों का भी हाल बताएंगे, पैर कैसे हो चुके हैं, और चलते हैं आगे की ओर। से वो खड़ गए उठ गए, अच्छे अच्छे उठ गए, अलग जा गए। हे गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये पुराना पुल है, ये वाला कि जो टूटा हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों को ये पुराना पुल है, ये पूरा टूट चुका था पुल, और अभी यहाँ से कोई निकल नहीं रहा है। अभी ये नया पुल बन रहा था तो वो उसके पिलर हो चुके हैं, और यहाँ पे अभी बोटों द्वारा उस साइड निकाला जा रहा है, तो देखते हैं। अभी तो आए हैं, देखते हैं कितने टाइम बाद चलते हैं और देखते हैं आगे की ओर। ये गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और कि मैंने नहा लिया है, क्योंकि मैं उसी साइड जबर को उसी साइड से नहाते हुए आ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे भाई वगैरह रहते, तो पहले मानता थी कि बोट में मामा हमारे साथ में जाते, तो मैंने तैर के सिंधु नदी को पार कर लिया। और सिंधु नदी का माप तो बहुत पुराना है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस किसी को यहाँ पे सांप वगैरह बांध काट लेता है तो उसको बंद बांध देते हैं, तो यहाँ पर आने से उस पर मैद आने लगते हैं और वो सही हो जाता है। और अभी सभी लोग नहा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा, सभी लोग नहा रहे हैं नदी में, और इसके बाद फिर सीधा चलेंगे मंदिर की ओर। और मेरे दोनों पैरों में खलक आ चुके हैं और मेरा चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा पैर दोनों दर्द कर रहे हैं इस वजह से। देखते हैं आगे, जैसे भी होगा वैसे करेंगे, चल जाना तो है ही मंदिर तक, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम नहीं लगता है।
देखने यार फास्ट एंचर हूँ। ये गाइस मंदिर पर दर्शन करने के बाद प्रिंस भाई से मिलने के बाद अब हम सीधा निकल रहे हैं नीचे की ओर नदी की ओर। वहाँ से फिर देखते हैं नदी में फिर बोटिंग के। अभी तो वहाँ से मैं तैर के आया था तो वीडियो वगैरह बना नहीं पाए थे, जीजू लोग मोबाइल लिए थे उन्होंने बनाया नहीं था। अब यहाँ से जाएंगे बोटिंग करते हुए, बोटिंग से जाएंगे तो देखते हैं। बोटिंग के बाद फिर सीधा चलेंगे ऊपर, यहाँ पर खाना वगैरह बन रहा है तो आगे चलते हैं और मिलते हैं।
गाइस हम वहाँ से सिंध रिवर से वापस आके अभी बसई मलक पर है, जैसे मेरे पीछे देख सकते हो ये बगल में टैक्टर वगैरह रखे, तो यहाँ से अब जाएंगे बकोपरा, वहाँ पे खाना बन रहा है तो वहाँ पे फिर खाना खाएंगे, फिर इसके बाद निकलेंगे हम गांव के लिए। तो अभी बसई मलक पर है, फिर सभी लोग आ जाएंगे, जिया दीदी और लोग, तो फिर ट्रैक्टर से निकलेंगे बकोपरा के लिए, वहाँ पर खाना खाएंगे, इसके बाद सीधा हम गाँव गए थे बकोपरा मिलते हैं, इसके बाद सीधा मिलेंगे हम गाँव। गाइस से मंदिर से वापस आने के बाद फिर दीदी के यहाँ पे जैसे पहुँचे थे हम गाँव, तो वहाँ पे रसम हो गई थी, तो उसके अगले दिन कन्या भोज होना था, तो दीदी लोगों ने और जीजाजी लोगों ने सभी लोगों ने मुझे रोक लिया कि अबे इतना किया है तो थोड़ा कन्या भोज करवा के आप निकल जाओ, तो फिर मैं अब सीधा मिलता हूँ आपको अगले दिन सीधा कन्या भोज के माता मैया के मंदिर पर। ये गाइस अब हम दीदी के यहाँ से हाईवे पे आ चुके हैं किले, और अभी कन्या भोज कराने के बाद फ्री हो गए हैं, और अब यहाँ से बस पकड़ करके सीधा अब निकल रहे हैं चिड़गांव की ओर। तो दीदी ने बोला था कि मैं हाईवे पे किले पे आ चुका था, वहाँ से फिर सीधा रोड भी मिल गई थी, तो फिर मैं वहाँ पे बस में थोड़ी भीड़ थी तो मैंने वहाँ पे कोई शूट नहीं किया, तो फिर इसके बाद सीधा घर पर आ चुका हूँ। अब आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।